माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुखविंदर सिंह। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्यों सर, बीच में शाहरुख खान ने भी बोला था कि सुखविंदर सिंह के आवाज़ में वो हाई पिच है और जो दिल को छूती है। आप देखिए, रहमान के रोजा से, बॉम्बे से, रंगीला से, जो भी उन्होंने किया बहुत इंटरेस्टिंगली किया। आहिरे आहिरे कहलम काबला लेला एंड देन छैया छैया ताल, बॉम्बे का थीम म्यूजिक, ये सारे एक्सपेरिमेंट है सर। रईस और अभी काफ़ी आपके न्यू सॉन्ग्स आ रहे हैं, रंगून, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल। रंगून इज़ अ वेरी वेरी गुड फिल्म एंड आई थिंक सो व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग फॉर कमीने दैट टाइम विशाल जी नरेटेड मी स्टोरी ऑफ दिस फिल्म रंगून एंड ही वॉज रियली वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग टू मेक दिस फिल्म वेरी डिफरेंट वे एंड इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ वेरी लार्ज, इट्स वेरी लार्ज, इट्स अ वेरी म्यूजिकल एंड विशाल जी का जो स्पेशलिटी है, विशाल भारद्वाज जी का, उसमें एक सबसे बेहतरीन बात यह है कि ही हिमसेल्फ इज़ अ डायरेक्टर एंड he is the one director we have in our country, in our film industry, jo ek dark subject ko bhi leke, grey subject ko bhi leke usko entertaining kar dete hain aur bahut simplify kar dete hain usko bahut conviction ke sath, chahe wo kameene ho, haider ho, omkara ho, and I love one of his film blue umbrella, what a fantastic film, simple story एंड रंगून का म्यूज़िक बहुत ओपेरिक है, इट्स अ रियल ओपेरा। लाइक हैदर का जब मैंने गाना गाया था, हैदर सॉन्ग जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, वो बिस्मिल बिस्मिल, इट्स अ बैले, ऐसा ही बैले, इस तरह के स्टेटस का बैले जो था नवरंग फिल्म में आता, वी शांताराम जी की फिल्म में। एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद ऑल ऑफ यू दैट हैदर का जो गाना है बिस्मिल बिस्मिल, उसके जो कोरियोग्राफर है यानी डांस डायरेक्टर, वो कश्मीर के ही रहने वाले हैं, एक कोई दीवाना को मलंग पर्सन थे, उन्होंने उसके पहले कभी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं रहे। जब विशाल जी ने बताया तो आई वॉज फ्लैबरगास्ट दैट, शाहिद से भी बात की तो भी कहते यार ही इज़ मैजिशियन। और लता जी एक ऐसी हस्ती हैं कि लता जी को भी इंस्पायर करती होंगी। एंड कमाल की बात है कि पैडर रोड पे वो प्रभु कुंज बिल्डिंग का जो नाम है, उस घर में एक साथ दो सूरत, दो चांद और दो समंदर है, दूसरा नाम है आशा जी। और वो एक जैसे कहते हैं ना कि कोई एक चीज़ सदियों के लिए एग्जांपल बन जाती है, दे आर लाइक दैट एंड स्पेशली द पीपल हु दे आर इन टू परफॉर्म, हु दे परफॉर्म म्यूजिक, they get attracted quickly towards to nice good music. नए टैलेंट आना बहुत ज़रूरी होता है, बागीचा जितना हरा भरा रहे अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे भी शर्म आती है कि उनको कैसे समझाऊँ। कुछ लोगों को मैं, कुछ सिंगर्स हैं, उनको बोला कि ये मत, कहते आप भी तो गाते, मैं कहा बट वो एफर्टलेस है, उसमें पैशन है, तो आप उसको ज़रूरत समझ के गा रहे हो और नसें तनी हुई हैं, आंखें लाल, ऐसा लगता कि यार चक्कर खा के ना गिर पड़े। मतलब ऊंचा गाना इज़ नॉट अ क्वालिटी, कैसा गा रहे हैं दैट इज़ क्वालिटी, और कितनी खुशी से, कितने रिलैक्स हो के, थोड़ा बहुत ये जो इसे एंथ्रस कहते हैं, ऑटो ट्यूनर, ऑटोमेटिकल ट्यून करता है, ये सजावट के लिए रखा गया है। कहीं जैसे फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट जो हम बोलते हैं, अब पूरी फिल्म स्पेशल इफेक्ट हो तो फिर कैसा होगा। सबसे पहला मेरा गुरु होता है उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर, फिर कवि जिन्होंने वो शायरी सिचुएशन को महसूस करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए लिखी, मैं उन दोनों को डेडिकेट करता हूँ, दैट्स इट। रैप तो जब ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी तब भी चलते थे, एक अधकनार बन होश यार करे मन खोले मन के द्वार, एक अधकनार बन हो, तो दिस इज इसे छंद भी कहते हैं। छन जनन जनन जन 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 गूंजेगी आज मुरली की धुन, मन मगन मगन हो करके आज नाचे बिरहन के साथ साथ कहे गायो रे, ये छंद है।
छंद ज़्यादातर कृष्ण जी की रास लीला जो है उसमें से निकलते हैं। सर न्यू कमर की बात करें तो सुखविंदर जी अगर आगे आएंगे सपोर्ट करने में, जो जो न्यू टैलेंट्स आ रहे हैं या उन्हें मदद चाहिए रहेगी तो? एक मदद है, डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। जिस जो ब्लेस्ड है, जो नेचुरल टैलेंट है, वो एक झरने की तरह है, वो समुंदर का आकार जो है अपने आप ही अख्तियार कर लेंगे, वो बहेंगे, उनको को बांध भी नहीं रोक सकता। अगर बांध भी बनाओगे तो बांध के पानी को आपको कोई दूसरा रास्ता देना ही पड़ेगा, चाहे फसलों को दो, चाहे पीने के लिए, चाहे आप नदी के रूप में। बट ओनली वन थिंग, अगर वो एंथ्रेस के गुलाम नहीं है, अगर मशीनों के गुलाम हो जाएं, जो होगा, मान लो आप तंदुरुस्त हो, लाइट चलेगी, आप गा ही नहीं सकते,